वेलकम टू अनबॉक्स फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं गुजरात के अहमदाबाद में एक और फैक्ट्री का अनबॉक्सिंग करने और नया बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बैग कैसे बनाया जाता है और बैग बनाने का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? आज आप बैग बनाने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे बिजनेस वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे वाला रेड बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के हमारे बिजनेस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाएं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्लास्टिक प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और प्लास्टिक प्रोडक्ट का बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। आज आप इस वीडियो में अलग अलग बैग कैसे बनाए जाते हैं और इसके बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैग्स। बैग बनाने की शुरुआत प्लास्टिक के रॉ मटेरियल के रोल से होती है। रॉ मटेरियल में आप बैग के टाइप के हिसाब से HDPE, PP, क्राफ्ट पेपर, नॉन वोवन मटेरियल यूज कर सकते हैं। यह रॉ मटेरियल बड़े से रोल फॉर्म में आता है जिसको बैग के साइज के मुताबिक काटा जाता है। इसके बाद से कट किए गए रॉ मटेरियल को स्टिचिंग मशीन में स्टिच किया जाता है। अभी बैग रेडी है, लेकिन बैग के ऊपर कंपनी की जरूरत के मुताबिक कंपनी का नाम और उनकी जरूरी जानकारी प्रिंट करनी पड़ती है। प्रिंटिंग बैग बनाने के प्रोसेस में सबसे अहम हिस्सा है। यह बैग प्रिंटिंग मशीन एस मार्क इंजीनियर्स द्वारा तैयार की जाती है। इस मशीन में आप 3 कलर प्रिंट कर सकते हैं और यह मशीन 8 घंटे की शिफ्ट में 15,000 बैग प्रिंट कर सकती है। प्रिंटिंग मशीन में अभी बैग प्रिंट करने की जरूरत के मुताबिक अलग अलग कलर का सॉल्वेंट बेस्ड फ्लेक्सो इंक डाला जाता है। इसके बाद स्टिच की गई बैग 3 बड़े से ड्रम से पास होती है और यह ड्रम को ड्रम सिलेंडर कहा जाता है, जिस पर जरूरत के मुताबिक स्टीरियो लगाया जाता है। और स्टीरियो एक रबड़ की प्लेट होती है जिस पर प्रिंट होने वाली कंपनी की जानकारी होती है। जैसे बैग मशीन में आगे बढ़ता है, वैसे ही इंक रबर इंक रोल से होते हुए एनिलॉक्स रोल के जरिए ड्रम पर लगे स्टीरियो यानी इंप्रेशन पर लगती है। बैग अलग अलग ड्रम से पास होती है और उस पे अलग अलग कलर के मुताबिक प्रिंट होते हैं। अभी यह बैग रेडी है इस्तेमाल के लिए। अगर आप भी अपनी फैक्ट्री का वीडियो दिखाना चाहते हैं या वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। दोस्तों, अब देखते हैं बैग बनाने का बिजनेस प्लान। यह बिजनेस शुरू करके आप हर महीने 40,000 से 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं। इस बैग मेकिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए 3,000 स्क्वेयर फीट जगह की जरूरत होती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 5 से 7 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप बैग प्रिंटिंग मशीन एस मार्क इंजीनियर से ले सकते हैं, जिसकी कीमत GST के साथ 5 लाख रुपए से शुरू होती है और बाकी की मशीन स्टिचिंग और कटिंग मशीन की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास होती है। यानी कि अगर आपके पास जगह है तो यह पूरा प्रोजेक्ट 7 लाख के इन्वेस्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। रॉ मटेरियल की प्राइस अलग अलग होती है। अभी जो वीडियो में पीपी वोवन सैक बैग बन रही है, उसके रॉ मटेरियल की कीमत तकरीबन 95 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम होती है और यह रॉ मटेरियल आप वोवन रोल मैन्युफैक्चरर से ही खरीद सकते हैं। और एक प्रिंटिंग बैग की कीमत की बात करें तो वो 15 से 45 पैसा प्रति बैग होती है, जो प्रिंटिंग कलर के हिसाब से चेंज होती है। और यह तैयार किए गए बैग को 110 से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आप मार्केट में बेच सकते हैं।
फिनांस की बात करें तो एस मार्क कंपनी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगी जिसमें आप आसानी से किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हर बार पूछते हैं कि तैयार सामान को कहाँ बेचे। इस तैयार बैग को आप रिटेल मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा आप इस बैग को शुगर फैक्ट्री, आटा फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री जैसे कई और भी अलग अलग कंपनियों में बेच सकते हैं। अगर आप मशीन के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपको डिटेल में जानकारी देगी। वीडियो में नए सजेशन देने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, क्योंकि फेसबुक पर बहुत जल्द अलग अलग बिजनेस आइडियाज के बारे में बहुत से वीडियो आने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक और फैक्ट्री के अनबॉक्सिंग और बिजनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।